वुजू करने का तरीका। वुजू करने का तरीका ये है, पाक बर्तन में पाक पानी लेकर पाक जगह पर बैठो। ऊंची जगह हो तो बेहतर है ताकि छींटे ना आए। क़िबले की तरफ मुंह कर लो तो और अच्छा है, और आस्तीने कोहनियों से ऊपर तक चढ़ा लो। फिर बिस्मिल्लाह पढ़ो और 3 बार गट्टों तक दोनों हाथ धो। फिर 3 बार कुल्ली करो और मिसवाक करो। मिसवाक ना हो तो उंगली से दांत मल लो। फिर 3 बार नाक में पानी डालकर बाएं हाथ से नाक साफ करो। नाक में पानी डालने का मतलब ये है कि सांस के साथ नरम जगह तक पानी ले जाएं। फिर 3 मरतबा मुंह धो। मुंह पर पानी जोर से ना मारो, बल्कि आहिस्ता से पेशानी पर पानी डालकर धो। पेशानी के बालों से ठोरी के नीचे तक और इधर उधर दोनों कानों की लौ तक मुंह धो। फिर कोहनियों समेत दोनों हाथ धो। पहले दाना हाथ 3 बार, फिर बायां हाथ 3 बार धो। फिर दोनों हाथ पानी से तर करके यानी भिगोकर सर का मसा करो। सर का मसा इस तरह करो कि दोनों हाथ पानी से तर करके दाएं हाथ और बाएं हाथ की उंगलियां बराबर मिलाकर पेशानी के बालों पर रख कर गुद्दी तक ले जाओ। फिर गुद्दी से दोनों हाथों की हथेलियों को कानों के पास से गुजारते हुए कानों के दोनों सुराखों में शहादत की उंगलियां दाखिल करो और अंगूठों से कानों की पुश का मसा करो और उंगलियों की पुश से गर्दन का मसा करो। फिर 3-3 मरतबा दोनों पांव टखनों समेत धो। पहले दाना पांव, फिर बायां पांव धो। वुजू से फारिग होकर ये दुआ पढ़ो। اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो तन्हा है, उसका कोई शरीक नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। ए अल्लाह, तू मुझे खूब ज़्यादा तौबा करने वालों में और खूब ज़्यादा पाकी हासिल करने वालों में शामिल फरमा दे। अगर आप इस सदक़ा जारिया में शामिल होना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। जज़ाकअल्लाहु खैरन।